महाराष्ट्र में इसी साल में विधानसभा के चुनाव हो जाएंगे। इस साल के अंत तक ये तय हो जाएगा कि महाराष्ट्र की गद्दी पर कौन बैठेगा। इसे लेकर महाविकास आघाड़ी और सत्तारूढ़ महायुति सरकार ने तैयारियां तेज कर दी है। महाराष्ट्र में होने वाले चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज है। नेताओं के दल बदलने के बीच कयासों का दौर भी जारी है। इस बीच सबसे बड़ा सवाल यह भी उठता है कि क्या एनसीपी के मुख्य और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार अपने चाचा शरद पवार से हाथ मिला लेंगे। इस बीच शरद पवार ने एक बार फिर अजीत पवार पर बड़े प्यार से अपने एक्सपीरियंस वाले तीर फेंके। इशारों इशारों में उन्होंने जता दिया है कि वो चुनाव में इमोशनल कार्ड खेलने से पीछे नहीं हटेंगे। फिर से चाचा शरद पवार के साथ अजीत पवार जाएंगे क्या? यही सवाल एक बार फिर चर्चा का विषय बन गया है। शरद पवार से फिर हाथ मिलाने को तैयार हैं अजीत पवार, क्या ऐसा हो रहा है? यही इस वक्त महाराष्ट्र की सियासत में कई खेमे से सवालों के तौर पर दिखाई पड़ रहा है। दरअसल बीते कुछ दिनों से कहा यह जा रहा है कि महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले राज्य में एक बार फिर से सियासी तूफान है और हो सकता हो यह तूफान और बढ़े। महाराष्ट्र विधानसभा से पहले राज्य की सियासत में नेताओं के दल बदलने के बीच कयासों का दौर भी जारी है। इस बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या एनसीपी के मुखिया अजीत पवार क्या महाराष्ट्र चुनाव से पहले चाचा की शरण में दिखाई पड़ेंगे। दरअसल पिछले कुछ दिनों से मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि अजीत पवार चुनाव से पहले शरद पवार के साथ नजर आएंगे, या यूं कहें कि अपने चाचा की शरण में जाते हुए दिखाई पड़ेंगे, हाथ मिलाते दिखाई पड़ेंगे। इस बीच शरद पवार ने एक बड़ा बयान दे दिया है जिसके बाद अब सियासी गलियारों में चर्चा खूब हो रही है। शरद पवार ने अजीत पवार के लिए क्या कुछ कहा है, क्या उनके बयान के मायने हैं और ऐसा उन्होंने क्या कह दिया जिससे कि महाराष्ट्र की सियासत में एक तरीके से कह लीजिए कि हलचल है, तरंग है। महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य के कहे जाने वाले शरद पवार ने कहा कि वो और भतीजे अजीत पवार एक परिवार के रूप में साथ हैं। उन्होंने ये स्पष्ट किया कि अजीत पवार एक अलग राजनीतिक पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं। तटीय कोंकण क्षेत्र के चिपलून में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जहां पर इस दिग्गज राजनेता ने कहा कि कम से कम हम घर पर तो साथ हैं। वो राज्य में विभिन्न हलकों से मांग के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में कह रहे थे कि चाचा भतीजे की जोड़ी को एक बार फिर से साथ आना चाहिए। अजीत पवार की हालिया टिप्पणी के बारे में पूछे जाने पर उनकी पत्नी सुनित्रा पवार को बारामती में सुप्रिया सूले के खिलाफ लोकसभा चुनाव उतारने पर एक गलती की जो बात थी, ये अजीत पवार ने खुद कहा था कि वो मेरी गलती थी। इस पर शरद पवार ने कहा कि वो एक अलग पार्टी में है, हमें किसी अन्य पार्टी द्वारा लिए गए निर्णयों पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। ये पूछे जाने पर कि क्या एनसीपी, सपा, कांग्रेस और शिवसेना के विपक्षी महाविकास आघाड़ी के गठबंधन ने अपना मुख्यमंत्री का चेहरा चुन लिया है, तो शरद पवार ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि ये इस समय कोई जरूरी मुद्दा है। उन्होंने कहा कि जब आपातकाल के बाद चुनाव हुए तो मतदान से पहले मोरारजी देसाई के पीएम उम्मीदवार के नाम का खुलासा नहीं किया गया था। उन्होंने कहा कि एमवीए प्रयास, समाजवादी पार्टी और किसानों और श्रमिकों की पार्टी जैसी अन्य पार्टियों की मदद से महाराष्ट्र में एक प्रगतिशील विकल्प देना ज़्यादा ज़रूरी समझती है। हमारा मानना यह है कि महाराष्ट्र के लोगों ने आने वाले चुनाव में एमवीए को मौका देने की तैयारी कर ली है। शरद पवार को यूं ही चाणक्य नहीं कहते हैं, एक एक सवाल का जवाब तो दे रहे हैं लेकिन जो आप सुनना चाहते हैं वो कभी नहीं बोलते। अजीत पवार और उनके करीबी कुछ विधायकों ने पिछले साल जुलाई में शरद पवार की पार्टी से नाता तोड़कर बीजेपी शिवसेना से गठबंधन कर लिया था। उप मुख्यमंत्री बन गए थे अजीत पवार। राज्य में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार में उनकी हिस्सेदारी बन गई, उप मुख्यमंत्री बनकर राज्य का नेतृत्व करने लगे। बाद में पार्टी का नाम एनसीपी और चुनाव चिन्ह भी अजीत पवार को ही मिल गया। बहुत लंबा मामला चला, कोर्ट तक मामला गया। हाल ही में सत्तारूढ़ गठबंधन के बारे में कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थी। कहा यह गया कि अगर चुनाव में सीट बंटवारे पर बात नहीं बनी तो अजीत पवार महायुति से बाहर हो जाएंगे। महायुति यानी एकनाथ शिंदे की शिवसेना, बीजेपी और अजीत पवार की एनसीपी। अब देखना यह है कि अजीत पवार चुनाव से पहले क्या कदम उठाते हैं। आपको बता दें शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी एसपी विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी का हिस्सा है। महाविकास आघाड़ी में शरद पवार के अलावा एनसीपी है, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और शिवसेना जो कि उद्धव ठाकरे की है वो शामिल है। महाराष्ट्र में महायुति और महाविकास आघाड़ी के बीच ही मुकाबला देखा जाता है। आमतौर पर अगर समझें तो
विपक्षी गठबंधन इंडी गठबंधन और बीजेपी एनडीए के गठबंधन में। तो महाराष्ट्र में उसे महायुति और महाविकास अघाड़ी के रूप में देखा जाता है। और जिस तरीके से शरद पवार ने अजीत पवार को लेकर ये जो सॉफ्ट एंगल दिखाया है, सॉफ्ट जेस्चर दिखाया है, इससे एक बार सियासी हलकों में फिर से चर्चा तेज हो गई है कि क्या महाराष्ट्र की सियासत के ये चाचा भतीजा फिर साथ नजर आएंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।